इतनी पेन कि 2 साल मैंने जो सफर किया ना, मैं जानती हूँ, मेरा भगवान जानता है। मैं बल्कि वॉशरूम जाने में, मैं वहां जाके भी रोती थी वॉशरूम में। बहुत वॉशरूम भी जाना, एक एक दिन आपका मरमर के जी रहे थे। 2 साल तक मेरे को ऐसे ही रहा है, बहुत दिक्कत आई है, बहुत ज्यादा। अभी 2 साल के बाद मैंने यूट्यूब देखना शुरू किया। यूट्यूब में मेरे को आपकी वीडियो नजर आई, फिर आपके पास हम पहुंच गए हैं। और अब मेरे को बहुत हल्का फील हो रहा है। जब मैं आई थी, मेरे को बहुत, मतलब बॉडी में ना ऐसे था जैसे बहुत वजन बांधा हुआ है शरीर में मेरे। अब तो आपको देख के लगता ही नहीं आप घुटने वाली हो। मधुरी चाल जो थी आपकी प्यारी प्यारी, मतलब तो चाल ही बदल गई आपकी है। स्पोर्ट नहीं, मैं वैसे ही बैठ जाऊंगी। वाह, जोंगड़ी, अब मैं जोंगड़ी आराम से मारती हूँ। ये मैं 2 साल के बाद यहाँ आके जमीन पे बैठना सीखी हूँ आपके पास। अच्छा, मैं 2 साल से जमीन पे नहीं बैठती थी। कार्ड नंबर 21956, सुरेंद्र कौर। लोग कहते हैं बिना रिप्लेसमेंट के घुटने ठीक नहीं होते। वजन बढ़ गया, 20 साल पुराना हो गया, अब तो घुटने का गैप खत्म हो गया, लेकिन घुटने रिप्लेसमेंट के बिना भी ठीक होते हैं। और इनके साथ तो डबल घटना है। एक तो पहले से ऑस्टियोआर्थराइटिस, गैप तो खत्म था ही, 2 साल पहले घोड़े ने मार दी लात। अब घोड़े की लात कितनी प्यारी होती है, जिसको पड़े वही जाने, जिसको नहीं पड़े वो कैसे जाने। सही बात बताओ, इसको घोड़े की लात क्या होती है। लेकिन पुराना ऑस्टियोआर्थराइटिस और घोड़े की लात के बाद तो और जिंदगी तबाह। उसके बाद भी नेचुरल रिप्लेसमेंट होता है, घुटना रिवर्स होता है, दर्द खत्म हो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बोलने वाली है। क्यों? क्यों संभव है ये सब संभव है। इसीलिए रिप्लेसमेंट ही केवल समाधान नहीं है। न्यूरोथेरेपी आरोग्य पीठ में इसका पूरा समाधान है। अब बात करते हैं इनसे। हाँ जी सुरेंद्र कौर जी, मैंने 20 साल पहले जैसे मेरे को चोट लगी, आज तो 20 साल के बाद कितनी मुस्कुरा के बता रही है। नहीं नहीं लगी लेकिन अभी मैं बिल्कुल ऐसे महसूस नहीं कर रही ना, इसलिए मैं हंस रही हूँ। तो 20 साल पहले मेरे को चोट लगी, तो मैं जैसे भी 20 साल में, बल्कि मैंने शुरू शुरू में तो मैंने मतलब के वो ट्रीटमेंट लिया पहलवान वगैरह से, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं आया। बीच बीच में जैसे थोड़ा मेडिसिन लेनी और मतलब के थोड़ा आराम मिल जाना दर्द का। फिर उसके बाद जैसे मैंने कभी मार्केट जाना या कहीं घूमने जाना, तो मैं चलते चलते रास्ते में एकदम गिर जाती थी अपने आप ही। मुझे नहीं पता लगता था मैं कैसे गिर रही हूँ। अपनी तरफ से मैं बिल्कुल प्रॉपर सही ढंग से चल रही हूँ, तो लेकिन गिर जाती थी। ऐसे गिरते गिरते मैं कम से कम 10-12 बारी गिर चुकी हूँ ऐसे। 10-12 बार गिर चुकी हैं? ये मेरा गिट्टा बबाहर आ जाता था। मैंने 7 टाइम इसको भी मोच निकलवाई गई, इसके ये भी निकल जाता था, और मैं चलते चलते गिर जाती थी। मुझे पता नहीं होता था मैं कैसे गिर गई हूँ। बिल्कुल ढंग से चलती थी मैं, बिल्कुल स्लो, इतना फिर भी गिर जाती थी। अब तो ये कंडीशन थी, चलने से डरती थी ये। अच्छा, मैं, मेरे अंदर एक डर पड़ गया था, मैं डर पड़ गया था कि मैं मार्केट नहीं जा पाती थी। मैं जाती भी नहीं थी अकेले, मार्केट भी नहीं जाती, बिल्कुल भी नहीं। अभी 2 साल से तो ये हुआ है कि मैं बिल्कुल, डॉक्टरों ने एक मिनट इनको बोल दिया, 2 साल से ऐसा हुआ कि मैं रात को ना थोड़ा ऊपर से आई हूँ, ऊपर वाले फ्लोर से नीचे आई हूँ, रात को सोई हूँ, और मैंने ऐसे पाँव रखा है, मेरा पाँव जमीन पर टिक ही नहीं रहा था। अच्छा। इतनी पेन कि 2 साल मैंने जो सफ़र किया ना, मैं जानती हूँ, मेरा भगवान जानता है। मैं बल्कि वॉशरूम जाने में, मैं वहाँ जाके भी रोती थी वॉशरूम में। बहुत वॉशरूम भी जाना, एक एक दिन आपका मरमर के जी रहे थे। 2 साल तक मेरे को ऐसे ही रहा है, बहुत दिक्कत आई है, बहुत ज़्यादा। और मैंने कोई एलोपैथिक नहीं डॉक्टर छोड़ा। अच्छा, वो भी नहीं छोड़ा। और ऑल इंडिया मेडिकल में भी दिखा लिया डॉक्टर को, वहाँ के ही डॉक्टर थे। तो उन्होंने बोला था कि इसका ना घुटने का रिप्लेसमेंट होगा, तो मैंने कहा अभी तो, फिर मैंने वो, उन्होंने एक इंजेक्शन दिया जो 25,000 का था या कुछ ऐसे ही था। 25,000 का तो ऐसे बता रही थी, 10-20 रुपए हो। ऐसे ही लगाया था, इतने लग गए थे एक्सरे वगैरह करके ना। 25,000 का हफ्ता ही चला बस वो एक 8 दिन, हफ्ते भर उसका रिलीफ रहा, उसके बाद फिर 8 दिन असर रहा। 8 दिन के बाद फिर उसी तरह दर्द पेन मेरी चालू हो गई। तो उसके बाद मेरे को मत बल्कि मैं सहन करती गई पेन किलर खा खा के सहन किया।
तो कहते हैं माइनर ऑपरेशन होगा, माइनर ऑपरेशन होगा, दोबारा बोले माइनर होगा, माइनर ऑपरेशन होगा अगर घुटना टेढ़ा हो गया, ये है वो है। मैंने कहा ऑपरेशन तो मैंने कराना नहीं है, वैसे ठीक होता है तो ठीक है। हाँ। मैं उसके बाद फिर मैं वहां नहीं गई, तो उसके बाद फिर घर में ही थोड़ा जो मेडिसिन ट्रीटमेंट लेते 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 तो मतलब फिर उसके बाद मैंने आपकी अभी 2 साल के बाद मैंने यूट्यूब देखना शुरू किया। YouTube में मेरे को आपकी वीडियो नजर आई, आपकी मैं फिर लगातार देखती रही हूँ, काफी दिन देखा मैंने। हाँ। फिर मैंने कहा क्यों, बल्कि ये कहते हैं कि चलो हम वहां मिलके ही आते हैं उनसे, फिर आपके पास हम पहुंच गए हैं और अब मेरे को बहुत हल्का फील हो रहा है। अच्छा। जब मैं आई थी मेरे को बहुत मतलब बॉडी में ना ऐसे था जैसे बहुत वजन बांधा हुआ है शरीर में मेरे। अच्छा। घुटने की वजह से, लेकिन अभी मेरे को हल्का फील हो रहा है अपना। मैं कैसे मान लूं भारी हल्का फील हो रहा है? नहीं, मेरे को भारीपन नहीं फील हो रहा। चल के भी दिखा सकती हो? हाँ हाँ, चल के बैठ के भी दिखा सकती हो? हाँ हाँ, बैठूंगी भी। नहीं नहीं, बैठूंगी भी, चलूंगी भी। चल के दिखा। नहीं नहीं, अभी मैं देखो ना, अब तो आपको देख के लगता ही नहीं आप घुटने वाली हो। मधुरी चाल जो थी आपकी प्यारी प्यारी, वो तो चाल ही बदल गई आपकी, है ना? अब नीचे बैठ के दिखा दोगी? नीचे बैठ के उसका सपोर्ट लेके बैठ जाना। नहीं नहीं, सपोर्ट नहीं, मैं वैसे ही बैठ जाऊंगी। वाह, चौकड़ी। अब मैं चौकड़ी आराम से मारती हूँ। नहीं तो ये सब भूल गई थी आप, चौकड़ी लगाना। नहीं, उन्होंने कहा था चौकड़ी मारनी नहीं है। अच्छा, डॉक्टर ने कहा चौकड़ी मारनी नहीं है। ये मैं 2 साल के बाद यहाँ आके जमीन पे बैठना सीखी हूँ आपके पास। अच्छा। मैं 2 साल से जमीन पे नहीं बैठती थी। उन्होंने बोला जमीन पे नहीं बैठना, टेबल पे बैठ के नहाना है, मतलब बैठना है जमीन पे तो बैठना टेबल, मतलब कुर्सी पे बैठ के ही नहाना है। मैं अभी अभी तक भी टेबल पे ही नहाती हूँ, टेबल पे ही मत बल्कि आपसे पूछ के अब मैं स्टार्ट करूंगी नीचे बैठ के पटले पे बैठ के नहाना। तो चौकड़ी लगा दी आपने? हाँ, मेरी चौकड़ी लग गई आराम से। गुरुद्वारे में जाके अब नीचे बैठना पड़ेगा, ऊपर नहीं बैठे। उन्होंने मेरे को ना चौकड़ी मारने के लिए भी मना कर दिया, नीचे बैठने के लिए मना कर दिया। मैंने 2 साल बिल्कुल नीचे बैठना ही नहीं। अच्छा। और ना ही चौकड़ी मारी है मैंने। कितना कष्ट होता होगा मन को? बहुत ज्यादा। 2 साल मैंने बहुत गलत निकाले हैं। और मैंने तो 20 साल से कभी भी गिर जाती हूँ जमीन पे, चलते चलते सड़क पे गिर जाती थी। और मेरे अच्छा लो खड़ी भी हो गई। इसको मैं कहता हूँ, अब आप कुछ कह रहे थे, क्या बता रहे थे? सर, इतनी कंडीशन खराब थी ना 2 साल से, मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। जैसे कोई बताता था वहां चले हुए आते हुए वहां गया, हर डॉक्टर ये बोलता था सुंदर कौर जी आपको दवाई खानी पड़ेगी और चलना पड़ेगा दर्द के साथ, चलना पड़ेगा। अच्छा, पूरी लाइफ चलना पड़ेगा दर्द के साथ, या फिर घुटने घुटनों पर चक्कू चलवा लो। ट्रीटमेंट किया ना नीतेश जी, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया किया है। आपको हमारा स्टाफ भी अच्छा? हाँ जी, बहुत अच्छा किया उन्होंने। सारा स्टाफ बढ़िया आपका, बहुत अच्छा। यहाँ पे आने के बाद इसके कष्ट समझ लो, मैं तो कहूंगा जीरो हो गए। इसकी इतनी कंडीशन खराब थी कि ये बाथरूम तक जाने तक जाने जाते जाते समझ लो इसका मतलब बाथरूम भी बीच में निकल जाता था। इतनी हालत खराब हो गई थी मेरी, क्योंकि पाँव नहीं लगता था जमीन पे। अब यहाँ पे आने पे बिल्कुल अपने आप को सही समझ रही है। मैं कह रही हूँ मैं बहुत हल्का फील कर रही हूँ अपने आप को ना, नहीं तो मेरे को जिंदगी जीने की दोबारा से चाहत आ गई। हाँ जी, है ना? अब मेरे को थोड़ा सा यही है कि जो मैं सीढ़ियां नहीं उतरती, तीसरी उतार देंगे। उम्र कितनी आपकी? 28 साल? नहीं, 65 जैसी रही हो ना, पहले 95 जैसी लग रही थी, अभी 28 साल की लग रही है। तो इस तरह से नेचुरल रिप्लेसमेंट होता है। सुरेंद्र कौर जी जो 2 साल से रोज मरमर के जी रही थी, अब इनके जीने की चाहत बदल गई है। लोगों से मिलने की अब इच्छा होती है, है ना? नहीं, मैं अब गुरुद्वारे जाने की इच्छा होती है, पहले बाथरूम की इच्छा भी नहीं होती नहीं, थी। बिल्कुल भी नहीं, है ना? अब जाके अब कोई आता है तो खुशी होती है। मैं कहना वो 20 साल से मुझे दर्द था, खुश होकर बोल रही है, क्यों दर्द ही नहीं रहा? मैं तो सबको बताऊंगी मैं ठीक हुई हूँ, सब ठीक हो जाए। बिल्कुल,
तो इस तरह से इनके जैसे जो निराश और हताश लोग हैं, अरे भाई हताशा छोड़ो, आरोग्य पीठ है ना, ये सुरेंद्र कौर बोल रही हैं कि लोग ठीक होते हैं, वो बाबूजी कह रहे हैं दो साल से मैंने तड़पते हुए देखा इनको और ये ठीक होकर जा रही हैं। नहीं, मैं बहुत सफर किया, बहुत ज्यादा, मैं तो रोती थी बाथरूम में जाने घर से निकलने में, डरती थी ये भी मैं वहां चलना पड़ेगा चलने से डरती थी, चलना चलूंगा मैं। सही बात, वो दिन याद करके जमीन हिलने लगती है। नहीं नहीं, मेरे को तो सही में भगवान वाला रूप मिला आपका, जैसे भगवान ने मुझे खुद भेजा आपके पास। भगवान ही भेजता है, बिना उसके तो संभव ही नहीं है। बिना उसके तो लोग तीन तीन चार चार साल से यूट्यूब देख रहे होते और अपॉइंटमेंट नहीं लेते, और कुछ लोग आज ही देखा ऑन द स्पॉट कॉल की और आ गए और फटाक से ट्रीटमेंट ले लिया और ठीक हो गए। तो इसलिए इनके संदेश को देखो, आज घर घर में घुटना कमर गर्दन दर्द है, निराश है सब लोग, और मॉडर्न तो शब्द बोलना ठीक नहीं है, जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं उनके पास केवल रिप्लेसमेंट ही एक समाधान है। इंजेक्शन लगाएंगे, छः दिन पाँच दिन थोड़ा सा ज़्यादा फायदा नजर आएगा, लेकिन फिर रिप्लेसमेंट की बारी आएगी। ये नेचुरल है, नेचुरल तो जितना ठीक है, अब हमने ठीक कर दिया, इसको ठीक करने रखना है, अपने आप रखना है। तो आप इनके संदेश को अधिकतम भेजिए, जैसे वो सभी निराश और हताश ऐसे और इनके जैसे या भी जिनको शुरू हुआ है, वो सभी इस संदेश को देखकर ये जाने कि भाई सुरेंद्र कौर ठीक हो गई है, तुम भी हो सकते हो। लेकिन समय जितना लगाओगे उतना अधिक समय लगता है, बढ़ाओ मत, इमीडिएट बात करके आरोग्य पीठ में कॉल करके अपना टाइम बुक कर लो, अपनी समस्या को जितना जल्दी ठीक करा लो उतना ही है। आपकी टांगें आपकी रहें, आपकी टांगों पर अधिकार सिर्फ आपका चाहिए, किसी और का नहीं। नेचुरल जितना जब तक रहेगा तब तक रहेगा, उतना रखो। तो अधिकतम लोगों को शेयर करो, और जिनको भी ये तकलीफ है बिना समय गवाए आरोग्य पीठ में कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। मैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आपके स्टाफ का भी। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेहनत करके मेरे को इस काबिल बना दिया। ठीक बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। कंधा दर्द, गर्दन दर्द, कमर दर्द, गैस, एसिडिटी, माइग्रेन बहुत सारे रहते हैं, और अगर घुटनों की बीमारी आ गई तो एक एक कदम पहाड़ जैसे लगने लगता है और जिंदगी बोझ बन जाती है। बीमारी की कोई उम्र नहीं है। आरोग्य पीठ लाया है बिना दवा, बिना साइड इफेक्ट के इतनी भयंकर बीमारियों को रिवर्स करने का जबरदस्त तरीका, वेलनेस न्यूरोथेरेपी। तो देर किस बात की, अभी फोन उठाओ, कॉल करो और अपने रोगों से, अपनी बीमारियों से परमानेंट छुटकारा पाओ।